नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। व्यूअर्स, आज का टॉपिक है जुडैक साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले व्यक्तियों का सितंबर 2018 कैसा रहेगा, क्या कहती है ट्रांजिटिंग प्लैनेट सितंबर महीने में मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए। मित्रों, मैं बता दूं, कैप्रिकॉर्न एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। इसका कंट्रोलिंग प्लैनेट शनि ग्रह है। शनि होने के कारण कैप्रिकॉर्नियन बहुत एम्बिशियस, बहुत स्टेबल, बहुत मैच्योर और सक्सेसफुल लोग होते हैं। इनके जीवन में बहुत पीस, प्रोग्रेस करने के कई मौका कैप्रिकॉर्नियंस को मिलता है। यदि कैप्रिकॉर्नियंस अपने इस अच्छे टाइम को समझ लें तो उनके जीवन में आगे का मार्ग बहुत ही फायदे वाला हो जाएगा। आइए चलते हैं मित्रों, देखते हैं क्या ट्रांजिट सितंबर महीने में प्लैनेट्स का हो रहा है। यूं तो एस्ट्रोलॉजिकली सितंबर का जो महीना है वो अधिकतर जुडैक साइन के लिए प्लैनेटरी ट्रांजिट बहुत फेवरेबल और अच्छा राजयोग वाला है। ऐसा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बहुत कम वर्ष में देखने को मिलता है। मित्रों, वर्तमान समय में कैप्रिकॉर्न के ऊपर मार्स प्लैनेट और केतु आपस में एक साथ विराजमान है। मार्स का कैप्रिकॉर्न में होना एक प्रकार का बहुत पावरफुल पंच महापुरुष राजयोग है। मंगल कैप्रिकॉर्न में उच्च का एग्जॉल्टेड होता है। ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत क्रिएटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड बना देगा और कई बड़े बड़े काम आप अपने हिम्मत हौसला से लेंगे और एक नया सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने के लिए पहला कदम शुरू करेंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि पाप ग्रह केतु मंगल के साथ आपके राशि पर ही बैठा है, बैठकर एक दोष, अंग कारक दोष बना रहा है। मंगल केतु का ये कंबाइन इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो आपके कई लोगों के साथ डिस्प्यूट, झगड़े, विवाद और बीमारियां और हॉस्पिटलाइजेशन होने की भी बहुत ज़्यादा संभावनाओं को इंडिकेट करता है। जहां प्रोग्रेस इंडिकेट करता है वहां एकदम से हेल्थ या एक्सीडेंट होकर डाउनफॉल भी इंडिकेट करता है। हमें मोटे तौर पर सावधानी से चलना चाहिए ताकि हमारा सितंबर का महीना ज़्यादा फायदेमंद रहे। मित्रों, आगे चलते हैं। इस समय पांचवें भाव में कैप्रिकॉर्नियन का मून प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है। मून का टॉरस में ट्रांजिट बहुत अच्छा, सुकून वाला, शांति वाला होगा। फिफ्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी में प्यार, मोहब्बत, भाग्य से भी कनेक्टेड होता है। फिफ्थ हाउस का पूर्व जन्म के पुण्य से भी संबंध है, आपके फैमिली से भी कनेक्टेड है। मून का वृषभ राशि में शंख योग का निर्माण करना, एक पावरफुल राजयोग का निर्माण करना इंडिकेट करता है बहुत सारे कैप्रिकॉर्नियंस का विवाह का योग इस समय बन रहा है। कईयों के लव अफेयर शुरू होंगे, कईयों के एंगेजमेंट होगा, कईयों के नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, कईयों को विदेश यात्राएं होंगी और कई बिजनेसमैन बहुत लाभ कमाएंगे, कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स अपने प्रोफेशन में बहुत तरक्की करेंगे। कईयों के भाग्य खुलने के मुकाम में पहुंच जाएगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में महादशाएं अच्छी चल रही है उनको इसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जिन लोगों की कुंडली में महादशाएं अच्छी नहीं चल रही है, नेगेटिव प्लैनेट्स की चल रही है, उनको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलेगा। हम जो भी कह रहे हैं इन जनरल कह रहे हैं, हमें कंबाइंड इफेक्ट को भी देखना पड़ता है। मित्रों, आगे चलते हैं मकर राशि वालों का सातवें भाव में। इस समय मकर राशि वालों के सातवें भाव में राहु गोचर कर रहा है। राहु का सातवें भाव में गोचर करना का मतलब ये होता है कि आपके विदेशियों के साथ संबंध होंगे, इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है, किसी के साथ आपका सेपरेशन होगा या डाइवोर्स केस चल रहा होगा इस समय हो जाएगा।
डोमेस्टिक फ्रंट में तनाव हो सकता है, मैरिड लाइफ में सेपरेशन के चांसेस बन सकते हैं। राहु का सेवन ट्रांजिट ये मैरिटल लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए ठीक नहीं है। बाकी अगर दशाएं कुंडली में आपकी अच्छी चल रही है तो इस बुरे ट्रांजिट जो सेवन्थ हाउस में चल रही है इससे भी बचा जा सकता है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, राहु का सातवें में ट्रांजिट लोगों से सेपरेट करता है, विदेशियों से मिलाता है, इंटरकास्ट मैरिज करवाता है, हमें बहुत दूर ले जाता है, विदेश यात्रा करवाता है, ऐसे लोगों से मिलवाता है जो शायद हमने कल्पना भी नहीं की कि वो हमें नुकसान भी कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं, या कोई आपको एनिमी डैमेज कर सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। थोड़ा सा सावधान रहना ही ठीक रहेगा। मित्रों आगे चलते हैं। आठवें भाव में सूर्य और बुध सिंह राशि में बुध आदित्य योग बना रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुकून, धन संपत्ति मिलने के योग है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास होने के बहुत चांसेस हैं, एकेडमिशन की बहुत प्रोग्रेस, रिसर्च के अंदर बहुत प्रोग्रेस, कहीं से लैंडेड प्रॉपर्टी मिल सकती है, हेल्थ में सुधार होगा, घर की फाइनल स्थिति अच्छी होगी, जो बीमारियां चल रही है उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी नज़र आएंगे इन जनरल। मित्रों आगे चलते हैं मकर राशि वालों के भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में वर्तमान में कोई प्लैनेट गोचर नहीं कर रहा है। 19 सितंबर में बुध ग्रह कन्या राशि में आएगा, तो 19th के बाद ये आप मान के चलना कि आपका भाग्य उदय होने वाला है बुध ग्रह के कारण। बुध कन्या में आएगा और वो आपके लक हाउस के अंदर है, यानी कि जो बिजनेसमैन है उनको बहुत प्रोग्रेस होगा, बहुत उन्नति होगी, नए काम को शुरू करेंगे, जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, सबसे ब्राइट टाइम है सितंबर का महीना, खूब पैसा, खूब शोहरत, गोचर बहुत अच्छा है। दशाएं अगर ठीक नहीं है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलेगा। मित्रों दसवें भाव में चलते हैं। मकर राशि वालों का दसवें भाव में देवगुरु बृहस्पति जुपिटर और 31 अगस्त से शुक्र भी आ जाएगा, महान राजयोग मालवीय योग बनाएगा। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली इससे बड़ा राजयोग मकर राशि के जीवन में और देखने को नहीं मिलेगा। आपका बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट कहीं वेट कर रहा होगा या आप उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट, पॉलिटिकल पोस्ट, जुडिशियल पोस्ट, या छोटे पद से एकदम बड़े पद में जाना, या प्रोफेसर बन जाना, या डॉक्टर बन जाना, या मेडिकल का एंट्रेंस क्लियर करना, इंजीनियरिंग का क्लियर करना, या विदेश चले आना, या किसी कंपनी को हेड करना। कैरियर के अंदर इससे बड़ा राजयोग ट्रांजिट के अंदर मैंने तो नहीं देखा। जॉब में बहुत तरक्की है और जॉब में विवाह होने के भी चांसेस हैं, लव मैरिज, आलीशान गाड़ियां खरीदेंगे, मकान, गाड़ी, एसेट्स, बहुत ही मोटे तौर पर बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है, क्योंकि दो प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य तुला राशि में हैं और तुला शुक्रा का अपना घर है, तो जीवन में इससे बढ़िया समय और आपके लाइफ में नहीं आया होगा। एस्ट्रोलॉजी एक ट्रेंड को इंडिकेट करती है, आप अपनी चेष्टा से उस ट्रेंड में और भी फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दशाएं दिशा चेंज कर देती है। अगर किसी का जुपिटर की महादशा चल रही है या वीनस की महादशा चल रही है तो समझ लेना कि भाग्य उदय हो गया है। आपका बड़ी जगह नौकरी लगने वाला है, लेक्चरर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एडवोकेट हैं तो जज बनने के चांसेस हैं, या ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट, डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या पुलिस सर्विस में बहुत बड़ा पोस्ट के अंदर प्रमोशन, यानी कि पावर, कोई रिसर्च पोस्ट, ये मिलने वाला है। इस प्रकार का गोचर तो इंडिकेट करता है। मित्रों आगे चलते हैं। मकर राशि के 12वें भाव में शनि गोचर कर रहा है, ये तीर्थ यात्रा को इंडिकेट करता है, बीमारी इंडिकेट करता है, हॉस्पिटलाइजेशन इंडिकेट करता है, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस इंडिकेट करता है, डाइवोर्स सेपरेशन इंडिकेट करता है। अपने रिलेशन को कॉर्डियल रखिएगा, कहीं कोई झगड़े अपने ये निजी जीवन में कपल्स आपस में लड़िएगा मत, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये रिलेशन को तोड़ सकती है।
कोर्ट केस, सेपरेशन, डाइवोर्स करा सकती है, इसलिए अपने को शांति से निकालना है। जो बीमारियां भी बढ़ सकती है या कोई भी नॉन इशू बन सकता है, शत्रुघात भी हो सकता है। मित्रों, वाइंडिंग करने से पहले मैं बता दूं, कंबाइंड इफेक्ट कैप्रिकॉर्नियन का बहुत अच्छा, बहुत सुकून, लव लाइफ बहुत बढ़िया रहेगा। ध्यान रखना है कि आपसी विवाद मैरिड कपल्स पार्टनर्स का ना हो। राहु सेवेंथ में गोचर कर रहा है, हर अशांति से दूर रहना है। अपने मैरिड लाइफ, अपने पब्लिक रिलेशन, अपनी ऑफिस, अपने दुकान, झगड़े होने के चांसेस हो सकते हैं। जहाँ तक करियर का संबंध है, कैप्रिकॉर्नियंस के अंदर बहुत विजडम, इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग। करियर के अंदर प्रमोशन, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। जुपिटर वीनस टेंथ में ट्रांजिट कर रहा है, बहुत बढ़िया। येलो सैपायर अगर पहनते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट है। अमेरिकन डायमंड पहनते हैं उसका भी अच्छा रिजल्ट है। जहाँ तक मैरिज का संबंध है, इस समय मैरिज के चांस अगर बन भी जाए तो 19 सितंबर से पहले शादी की चीज़ें फाइनल नहीं करना चाहिए। राहु जो है वो सेवन्थ हाउस में है। जहाँ तक आपके बिजनेस का संबंध है, बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा है। आयरन, स्टील, लैंडेड प्रॉपर्टीज़, बिजनेसमैन को बहुत पैसा कमाने का योग है, बहुत फाइनेंशियल गेन करने का योग है। मित्रों, जहाँ तक हेल्थ का संबंध है कैप्रिकॉर्नियंस का, ये समय थोड़ा हेल्थ में ध्यान रखने का है। अच्छा खाना, रिलैक्स, स्ट्रेस, क्योंकि शनि 12वें भाव में है और बुध स्थान चेंज करेगा, इसलिए 6ठे भाव में सूर्य मरकरी है और मरकरी स्थान चेंज करेगा। मोटे तौर पर मिक्स्ड रिजल्ट है, चिंता की कोई विषय नहीं है। मैं जाने से पहले इतना ही कहूँगा, चाहे समय कितना भी टफ क्यों ना रहे, अगर आप प्रेयर में रहते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों का भला करते हैं, पवित्र रहते हैं, तो कैसा भी खराब ट्रांजिट हो, आप उसमें भी फ़ायदा निकाल लेंगे। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, उसकी इबादत करने वाला, पूजा करने वाला बुरे समय में भी निकाल लेता है। मैं मित्रों जाने से पहले एक डिवाइन वर्ड या डिवाइन मंत्रा आपको देना चाहूँगा। ये मुझे एक हिमालयन योगी ने दिया था। ये बहुत पावरफुल डिवाइन वर्ड है। इसकी चैंटिंग करने से, मान लीजिए बिजनेसमैन है, आपके बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं हो रहा, कस्टमर्स नहीं आ रहे, लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहा, बिजनेस डीलिंग करने जा रहे हैं लेकिन उस डीलिंग में लोग आपको हाँ नहीं कर रहे, या आप किसी मैरिज में जा रहे हैं प्रपोजल लेकर बात बैठ नहीं रही, या घर में अशांति हो रही है, हस्बैंड वाइफ बच्चे फैमिलीज में डिस्प्यूट हो रहा है, प्यार नहीं पनप रहा है। मैं जो शब्द दे रहा हूँ ये हिमालयन योगी का मुझे ब्लेसिंग्स देकर दिया गया है। अगर आप गुरु मंत्र मान के इसको लेते हैं तो इसकी पावर और भी बढ़ जाएगी। इस मंत्र को चैंट करने से क्या होगा, आपकी आभा मंडल के अंदर एक चुंबकीय पावर आप एहसास करेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, जितना पास जाएंगे इसकी पावर और बढ़ेगी। बिजनेसमैन हो चाहे शादी का हो, या किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अच्छे काम के लिए, तो ये आपको दूसरों का प्यार दिलाएगा। प्यार, पैसा, सक्सेस, पावर, अगर आप 6 महीने तक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करेंगे, तो आप इसकी जो डिवाइन पावर है उसको रियलाइज़ करेंगे। और आप मुझे याद करेंगे कि क्या चीज़ वो देखे गए हैं। आज हो सकता है मेरी आवाज़ आपको हल्की लग रही हो, ये डिवाइन वर्ड नहीं, ये मंत्रा नहीं, एक पावर है। मैंने अपने जीवन में बहुत मिरेकल देखे हैं इसी के कारण। तो मैं आपको दे रहा हूँ आपके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, मेरा और कोई एम नहीं है। आप चैंट करेंगे, सुखी रहेंगे, मुझे ऊपर वाला ब्लेसिंग्स दे देगा। वो डिवाइन वर्ड मित्रों हैं क्लीम 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 क्लीम। इस
डिवाइन वर्ड को, मंत्रा को खींच खींच कर चैन करिएगा। जितना इसको खींचेंगे उतनी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक छोटे से बीज में भी बरगद का पेड़ बनने की पोटेंशियल क्षमता होती है। ये बीज दे रहा हूँ मैं आपको, मुझे भी ऐसे ही किसी ने दिया था और आज मेरा प्रेजेंस हो सकता है दुनिया भर में है। यूँ तो मैं प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स फाइनेंस लॉ। मैं आशा करता हूँ मेरी वार्ता से आपको लाभ मिला होगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। एक और वार्ता के साथ आप सबके साथ फिर मिलूँगा। बाय, थैंक यू।